आप भी अपनी डायबिटीज और शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं या उसे जड़ से खत्म करना चाहते हैं, इसका निर्णय आप अभी ले लें। क्योंकि आज से कुछ साल पहले तक तो ये जरूर था कि एक बार अगर किसी को शुगर हो गई या डायबिटीज की समस्या हो गई, स्पेशली डायबिटीज टाइप 2, ध्यान रखिएगा, टाइप 2 डायबिटीज वो है जो उम्र में बाद में होती है, और इसको पहले माना जाता था जिसको शुगर ये हो गई है उसको वो कभी ठीक नहीं हो सकती, और उसके लिए अब उसे जीवन भर दवाइयां खानी पड़ेंगी। लेकिन अब साइंस ने भी प्रमाणित कर दिया है कि अगर आप अपना खान पान अच्छे से रखते हैं, अपने जीवन शैली के अंदर बदलाव लाते हैं, जिसके अंदर आपने अच्छे से एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया है और खाना पीना अपना नियंत्रित कर लिया है, तो आप इस बीमारी को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि डायबिटीज या शुगर की समस्या क्या है। ये जो डायबिटीज या शुगर जिनको हम कहते हैं, ये ऐसे मरीज होते हैं जिनके अंदर अगर हम उनके खून की जांच करें ब्लड ग्लूकोज के लिए, तो उसके अंदर हमेशा ब्लड ग्लूकोज बढ़ा हुआ रहता है, और इसकी जो नॉर्मल मात्रा हमारे शरीर के अंदर होती है वो तकरीबन हम कहें 80 से लेके 110 मिलीग्राम हर 100 ml खून पर होती है। लेकिन इस शुगर की समस्या के अंदर और टाइप 2 डायबिटीज के अंदर ये शुगर और ब्लड ग्लूकोज बढ़कर हम कहें 120 से पार चला जाता है, और काफी लोगों में ये 200 से ऊपर ही रहता है, लगातार बना रहता है। और हमारा शरीर अब इतनी ज्यादा मात्रा के अंदर बढ़ी हुई शुगर को नियंत्रित नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से हमारे शरीर को नुकसान होते हैं। तो यहीं पर एक जो बात इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हमें ये शुगर और टाइप 2 डायबिटीज हो क्यों रहा है, कृपया इसे समझ लें। तो जो बढ़ी हुई शुगर है हमारे शरीर के अंदर, इसका जो सबसे बड़ा कारण है, पहला कि हम बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर ऐसी चीजें खा रहे हैं जिनके अंदर शुगर है, या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं जो जल्दी से शुगर के अंदर या ग्लूकोज के अंदर बदली जा सकती है, जिससे हमारे शरीर के अंदर ये बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर हो रहा है। दूसरा कारण जो इसका ये होता है वो ये है कि हमारे शरीर के अंदर ज्यादातर जब ये शुगर बढ़ती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन हार्मोन हमारे शरीर में बनता है, जो कि हमारा पेंक्रियाज बनाता है। अगर हमारा पेंक्रियाज अच्छी मात्रा के अंदर ये इंसुलिन नहीं बना पा रहा, या जो इंसुलिन की क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है, या किसी प्रकार से इंसुलिन बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर बन रहा है लेकिन उसे जो काम करना चाहिए वो काम नहीं कर पा रहा है, जिसको कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कहते हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर भी हमारे शरीर के अंदर ये जो शुगर की मात्रा है वो ज्यादा बढ़ जाती है। तो यही एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्या ये बढ़ी हुई शुगर अगर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर हमारे शरीर में रहे तो ये हमें कुछ नुकसान कर सकती है? जी हाँ, आप ये देखिए, आप किसी भी तरीके के मीठे पदार्थ को या चीनी को थोड़ी देर फर्श पे छोड़ दें, आप पाएंगे कि थोड़ी देर में ही वहां कीट मकोड़े या हम चींटियां या दूसरे छोटे छोटी मक्खियां वहां पर आ जाती हैं और उस पर बैठ जाती हैं। इसका मतलब चीनी हर किसी हम कहें जीव की एक इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, और वहां पर अब इतने सारे जीवाणु इकट्ठे हो जाते हैं, तो आपके शरीर के अंदर जो सूक्ष्म जीवाणु है अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो आपके शरीर के अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन भी कर सकते हैं, जिससे कि आपके शरीर को आगे नुकसान होगा। तो यही कुछ ऐसा ही हमारे शरीर में होता है, और आपने पाया भी होगा जिनको शुगर की समस्या है उनके अंदर बहुत जल्दी ही दूसरे प्रकार के इन्फेक्शन हो जाते हैं। अगर आपके घर में किसी को भी ऐसी समस्या है तो आपने पाया होगा कि जैसे ही मौसम बदलता है वो बीमार पड़ जाते हैं, जैसे ही कोई भी हल्का सा इन्फेक्शन किसी को हुआ वो तुरंत उसे कैच कर लेते हैं और वो खुद बीमार हो जाते हैं। इसके अलावा उनको ठीक होने में भी समय ज्यादा लगता है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे वो भी जल्दी स्वस्थ और बेहतर हो जाए। जो दूसरी चीज ये बढ़ी हुई चीनी आपके शरीर में कर रही है वो ये है कि आपके खून को ये बहुत ज्यादा गाढ़ा बना रही है। इसको हम दूसरी चीज से समझते हैं, जो पानी आप पीते हैं उसके अंदर किसी प्रकार की कोई और चीजें नहीं मिली हुई, मान लीजिए आप आरओ का पानी पी रहे हैं तो वो बहुत ही तरल होता है, लेकिन जैसे अगर आप उसमें चीनी मिलाने लग जाएं और बहुत ज्यादा चीनी मिलाएं और अगर उसकी चाशनी बन जाती है तो वो कितना गाढ़ा हो जाता है। कुछ ऐसा ही काम आपके खून के साथ भी हो रहा है कि जितनी मात्रा के अंदर चीनी आपके खून के अंदर बढ़ती चली जाएगी,
आपका खून उतना गाढ़ा होता चला जाएगा। इस गाढ़े खून से नुकसान आपके शरीर को ये होता है कि आपकी नसों के अंदर ये कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर ऐसा चिपचिपा पदार्थ बनाता है जिससे कि आपकी नसों के अंदर रुकावट होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। आपकी जो छोटी नसें होती है खून की, वहां पर ये अच्छे से खून को नहीं पहुंचा पाती। आपके जो फेफड़े से सांस के रूप में हमें ऑक्सीजन पूरे शरीर के अंदर जाती है आरबीसी के माध्यम से, तो वहां भी उसके अंदर प्रॉब्लम आती है और ये ऑक्सीजन आपके छोटे छोटे सेल्स के पास, कोशिकाओं के पास नहीं पहुंच पाती। तो नुकसान ये हो रहा है कि आपके जो अंग हैं, आपकी जो छोटी कोशिकाएं हैं, उनके पास ना तो ऑक्सीजन पहुंच रही है और ना हम कहें अच्छी मात्रा के अंदर खून पहुंच रहा है, क्योंकि खून ही हमारे शरीर में एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से हमारे शरीर के अंदर न्यूट्रिशन भी जाता है, हमारे शरीर के अंदर से वहां से टॉक्सिन्स भी निकलते हैं और हमारे शरीर को वहां ऑक्सीजन भी पहुंचता है। तो इन्हीं सब कारणों से जहां जहां ये रुकावट ज्यादा हो रही है वहां की अंग और कोशिकाएं काम करना बंद कर देती हैं और हमारे शरीर को ये नुकसान पहुंचाती हैं। अगर ये गुर्दे के अंदर रुकावट पैदा कर दे तो ये गुर्दे खराब कर सकती है, आपके दिमाग में अजरंग जैसी दिक्कतें पैदा कर सकती है, आपके दिल के अंदर रुकावट पैदा करके आपको दिल का दौरा भी दे सकती है। तो ये इतनी सारी समस्याएं हमारे शुगर के साथ रिलेटेड है। और आपने एक चीज जरूर पाई होगी, ये छोटे अंगों में आपके जो पैरों की उंगलियां हैं वहां पर, आपके हाथों की उंगलियां हैं वहां पे सर्कुलेशन अब जब कम हो जाता है तो वहां की अब ये उंगलियां नीली पड़ने लग जाती है कि वहां खून अच्छे से नहीं पहुंच पा रहा, और काफी लोगों को तो इसकी वजह से वहां पे अब उनको हमें परमानेंटली हटवाना पड़ता है क्योंकि वो बिल्कुल डेड हो चुकी होती है, जिसकी वजह से काफी सारे लोगों के अंदर ये हाथ पैरों के कटने का भी एक कारण बनती है। तो हम बात करते हैं जो हमारे पास साधारणतः ये शुगर को कंट्रोल करने वाली दवाइयां हैं, क्या हमें इससे बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है या हमारे शरीर को ये ठीक करने में सक्षम है, क्या इस बीमारी को ठीक कर पाती है। तो आप इस चीज को आराम से समझ लें, जितनी भी आपको ये दवाइयां मिल रही हैं वो किसी ना किसी तरीके से आपके शुगर को कंट्रोल तो करती हैं लेकिन आपकी बीमारी को ठीक नहीं कर रही हैं। ये जो ब्लड के अंदर शुगर बढ़ गया है इसको या तो वो आंत के लेवल पे आपका चीनी अब्जॉर्ब ना हो इसके लिए काम करती हैं, या जो ये आपकी चीनी ज्यादा मात्रा के अंदर आपके खून के अंदर है उसको बाद में फैट में कन्वर्ट करने का काम करती है जिससे कि आपके शरीर के अंदर अब ये मोटापा बढ़ता है, ओबेसिटी बढ़ती चली जाती है, या कुछ गोलियां ऐसी भी हैं जो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को थोड़ा कम करती है जिससे कि आपका इंसुलिन अच्छे से काम कर पाए। कुछ गोलियां इस प्रकार की भी हैं जो आपके इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाती हैं। तो ये गोलियां, इन्हें नटशेल आप ये देखें, जिनको भी ये शुगर की बीमारी है पहले वो एक गोली से स्टार्ट करते हैं और वो भी कम मिलीग्राम की, धीरे धीरे वो इसकी डोज भी बढ़ाते हैं, दिन में एक से शुरू करके 2 से 3 बार लेना भी शुरू करते हैं। और जिन लोगों को ये बीमारी 15-20 साल से है तो उनकी अब गोलियां बढ़कर 3 से 4 भी हो गई होंगी, और एक समय ऐसा भी आता है जब ये गोलियां काम करना ही बंद कर देती हैं, तो उस वक्त आपको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने ही पड़ते हैं जब भी आपको खाना खाना है या आपको अपने शुगर को और अच्छे से नियंत्रित करना है, तो लगातार आपको ये इंसुलिन के इंजेक्शन की जरूरत पड़ती है। जो मैं आपको ये उपाय बताने वाला हूँ इनके कृपया आप अपने डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप इंसुलिन के इंजेक्शन लेते हैं या 3 से 4 दवाइयां लेते हैं तो आपसे अनुरोध है कि अपने डॉक्टर से मिलके ही इनको अपनाएं और उनके अंडर ही आप इनको फॉलो करें, क्योंकि अगर आपकी शुगर कम हो रही है तो उसी हिसाब से आपकी दवाइयों की भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर आप वो नहीं करते तो आपको बेहोशी जैसी समस्या हो सकती है और आपके शरीर के अंदर ग्लूकोज बहुत ज्यादा कम हो के आपको शरीर को नुकसान भी पहुंच सकता है। तो कृपया हमेशा अपने डॉक्टर के साथ ये करें। और जो लोग अभी प्री डायबिटिक श्रेणी में हैं कि उनका 3 महीने का शुगर हम कहें 5.5 से 6.5 तक के बीच में है लेकिन अभी उनको फ्रैंक डायबिटीज नहीं हुआ, 6.5 से ऊपर उनका HbA1c नहीं गया, तो उनसे तो मेरी रिक्वेस्ट है कि 3 महीने के लिए करें। आपका 3 महीने के अंदर ही आपको पता लग जाएगा कि अब आपकी शुगर कितनी अच्छे से नियंत्रित हो गई है और अब आप और बेहतर हो गए हैं, आपका HbA1c भी घटने लगा है। पर अगर आप इसे लगातार करते रहेंगे तो आपको शुगर कभी होगी ही नहीं, आपको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें जिससे वो भी जल्दी स्वस्थ और बेहतर हो जाए। तो हम बात करती हैं
क्या सही में यह पॉसिबल है कि हम अपनी शुगर की समस्या को जड़ से खत्म कर दें? जी हाँ, यह बिल्कुल संभव है और अब साइंस ने भी इसे माना है, प्रमाणित किया है। काफी ऐसे पेपर्स पिछले 3-4 साल में पब्लिश हुए हैं जो ये बताते हैं कि अगर आप अपने खाने पीने की प्रक्रिया में अपने डाइट को ठीक करें, अपने जीवन शैली में लाइफस्टाइल चेंजेस को अपनाएं, एक्सरसाइज अच्छे से करें, तो आप इस टाइप 2 डायबिटीज और शुगर की समस्या से बिल्कुल ठीक हो सकते हैं और इसे हमेशा के लिए बाय बाय कर सकते हैं, बशर्ते आप अपना मन बना लें। तो क्या आपने अपना मन बना लिया कि आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर आप अपनी शुगर समस्या से और टाइप 2 डायबिटीज से बाहर आकर बिल्कुल स्वस्थ होना चाहेंगे? तो कृपया इन लाइफस्टाइल मेजर्स को अपनाएं ताकि आप हमेशा स्वस्थ रहें। तो आपकी शुगर को जड़ से खत्म करने के जो आसान उपाय हैं, कृपया उन्हें नोट कर लें और समझ लें। जो सबसे पहला काम आपको करना है, जो आपकी शुगर को बढ़िया रखेगा, उसको नियंत्रित रखेगा, कम भी करेगा और आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगा, डेली आपको एक्सरसाइज करने की आदत डालनी है। आपको अच्छे से एक्सरसाइज करना है, कम से कम 30 मिनट सुबह और कम से कम 30 मिनट शाम को आप एक्सरसाइज करते हैं। जितनी ज्यादा से ज्यादा मांसपेशियों को आप इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे उतना आपको फायदा होगा और ये प्रमाणित हो गया है साइंटिफिकली काफी सारे रिसर्च से और स्टडीज से कि जितना अच्छे से आप एक्सरसाइज करते हैं उतना अच्छे से अब आपकी मांसपेशियां आपके खून से ये ग्लूकोज लेने में और सक्षम हो जाती है। आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस घटता है और आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ती है। दूसरा फायदा जो आपको एक्सरसाइज करने से हो रहा है वो ये है कि अब आपकी मांसपेशियां अच्छी प्रकार से ये ग्लूकोज को तो ले ही पाएंगी, उसको मेटाबोलाइज भी कर पाएंगी ताकि जो शुगर बढ़ी हुई है आपके खून के अंदर वो जल्दी से नियंत्रित भी हो जाए और आपकी जो दवाई की मात्रा है वो भी अब घटने लगेगी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट और स्टेप्स आपको लेने हैं वो आपके खाने के लेवल पे आपको करना है। और आपके खाने के लेवल पे आपको क्या करना है इनको समझ लें। हमेशा आपको एक बैलेंस डाइट लेनी है, संतुलित आहार लेना है जिसके अंदर आपको चीनी कभी भी नहीं लेनी। चीनी एक ऐसा जहर है जो आपको शुगर जैसी समस्याएं देता है, तो आपको इसे कभी भी नहीं लेना। इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जो खाने में मीठी तो नहीं है लेकिन चीनी से कम नहीं है उनको भी आपको समझना है, जिसको कि हम ग्लाइसेमिक इंडेक्स की भाषा में भी कहते हैं कि इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा है। जैसे कि आप जितना भी ये पिसा हुआ आटा खा रहे हैं, किसी भी प्रकार का बारीक पिसा हुआ आटा आपका एक ऐसी चीनी है जो खाने में मीठी नहीं है, चाहे वो गेहूं का आटा हो या दूसरी चीजों का आटा हो। इनके अंदर ये जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होते हैं इनकी मात्रा बढ़ जाती है। आप किसी प्रकार की कोई आइसक्रीम खा रहे हैं, कोई कैंडी खा रहे हैं, जो चॉकलेट्स ले रहे हैं, जूस पी रहे हैं, इनके अंदर भी सिंपल शुगर्स ज्यादा हैं। इसके अलावा कोई भी बेकरी आइटम है जो आपकी ये नमकीन है और जो आप ये बिस्किट्स भी ले रहे हैं इनके अंदर भी ऐसा ही हो रहा है। इसके अलावा चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक, इनके अंदर आप सीधा चीनी पीते हैं तो इसको पीना बंद करें। इनके अंदर भी फ्री कैलोरीज है। जितना भी जंक फूड आप खा रहे हैं इसके अंदर भी कैलोरीज की मात्रा बहुत ज्यादा है, आपके शरीर को नुकसान करती है, आपका शुगर भी बढ़ाती है। तो कृपया इन सबको आप बंद कर दें और हमेशा जब भी खाना खाएं उसके अंदर प्रोटीन अच्छे से लें। गुड क्वालिटी प्रोटीन जितना आप अच्छे लेंगे उतना बढ़िया होगा। कुछ मात्रा के अंदर गुड क्वालिटी फैट लेना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहीं पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, ज्यादातर लोग जिनको शुगर है उनके लीवर के अंदर भी काफी सारा फैट जमा हो जाता है, जिसको हम फैटी लीवर कहते हैं। तो अगर आपको ग्रेड 2 या ग्रेड 3 फैटी लीवर है तो आपसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बहुत ज्यादा मीठे फलों का सेवन आप ना करें। मीठे फल, क्योंकि आपका लीवर अब उनको फ्रक्टोज को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रहा, तो इस वक्त आपको उनको कम मिलना चाहिए या बंद कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एक बार इस प्रकार की डाइट आप लेते रहेंगे और कुछ महीनों में जब आप और स्वस्थ हो जाएंगे, आपका लीवर भी स्वस्थ हो जाएगा, फैटी लीवर उसका कम हो जाएगा, तो उस वक्त आप फूड खाना थोड़ा बढ़ा सकते हैं लेकिन नियंत्रित मात्रा के अंदर। और यही एक और चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, कृपया आप जितना कम हो सके उतना जूस लें, क्योंकि जूस आपके शरीर के लिए अच्छा है लेकिन अगर आप फल खाते हैं तो वो आपके शरीर के लिए ज्यादा बेहतर है। क्योंकि जब आप फल खाते हैं तो आपके शरीर को ये फाइबर भी मिलता है जो कि आपके शरीर के अंदर
ग्लूकोज को पकड़ के रखता है और आपके खून के अंदर एकदम से ग्लूकोज नहीं बढ़ने देता। और इसीलिए अच्छे से सलाद खाना आपके लिए बहुत ही ज्यादा अनिवार्य है। जितनी अच्छी मात्रा के अंदर आप सलाद खाएंगे, जैसे कि आप खीरा खा रहे हैं, ककड़ी खा रहे हैं, और इनको भी कभी आपको छीलकर नहीं खाना, इसके अलावा आप हरी सब्जियां खा रहे हैं, ब्रोकली खा रहे हैं, गोभी खा रहे हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खा रहे हैं, जैसे आप पालक खा रहे हैं, धनिया ले रहे हैं, मेथी ले रहे हैं, या किसी प्रकार का आप पुदीना भी इसके अंदर खा सकते हैं, टमाटर है, कच्चा प्याज, कच्चा प्याज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि जो कच्चा प्याज होता है उसके अंदर फाइबर बहुत अच्छी मात्रा के अंदर होता है और आपकी बड़ी आंत में जाकर ये आपके लिए बहुत ज्यादा फायदा करता है। इसके अलावा चुकंदर आप थोड़ा सा ले सकते हैं। इसके अलावा जो आप नींबू खा रहे हैं सलाद के अंदर, उसको भी अच्छे से इस्तेमाल करें, और नींबू का जो छिलका होता है उसे भी अगर आप खा लेंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। नींबू के छिलके के अंदर फाइबर की मात्रा भी अच्छी होती है और काफी सारे ऐसे फाइटो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। तो हमेशा खाने से पहले यह सलाद जरूर खाएं, और आप कोशिश करें धीरे धीरे आदत बनाएं, एकदम से नहीं, कि आप कम से कम 50% जो आप एक बारी में खाना खा रहे हैं उसके अंदर सलाद है, उस सलाद लेने के बाद ही आप दूसरी चीजें खा रहे हैं, जैसे सब्जी खा रहे हैं या आपकी जो चपाती है वो खा रहे हैं, वो भी किस प्रकार से लेनी है मैं आपको बताने वाला हूँ। और आप जो सलाद खा रहे हैं इसके अंदर आप शिमला मिर्च भी खा सकते हैं, बथुआ भी खा सकते हैं, सरसों भी खा सकते हैं, जो भी आपके पास उस सीजन में अवेलेबल है उस वक्त इनका आप इस्तेमाल करें और ये बढ़िया से सलाद खाएं, ताकि अब आपके शरीर के अंदर फाइबर भी अच्छी मात्रा के अंदर हो, और आप जो खाने के अंदर दूसरी चीजें ले रहे हैं उसके अंदर भी अगर कुछ सिंपल शुगर्स हैं तो उनको ये ट्रैप कर ले और आपके शरीर के अंदर एकदम से शुगर ना बढ़ाए। अगला काम जो खाने में आपको करना है वो ये है कि आपको अच्छी मात्रा के अंदर प्रोटीन अपनी डाइट के अंदर लेना है। ज्यादातर लोग प्रोटीन को अपनी डाइट के अंदर बहुत ही कम मात्रा के अंदर लेते हैं, हालांकि ये आपके शरीर को बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर रिक्वायर्ड है, ताकि आपकी मांसपेशियां बढ़िया रहे, आपके शरीर के अंदर हॉर्मोन्स और एंजाइम्स अच्छे से बने, ताकि आपके शरीर की सारी प्रक्रियाएं बढ़िया रहें। तो आपको गुड क्वालिटी प्रोटीन अच्छी प्रकार से लेना है। कोशिश करें कि आप हमेशा स्प्राउट्स खाएं, और जितना आप स्प्राउट्स खाएंगे उतना आपको फायदा ज्यादा होगा। अगर आप दाल को पकाकर भी खा रहे हैं तो भी आपको फायदा जरूर होगा, लेकिन जो आप दाल पकाकर खा रहे हैं कृपया ऐसी दालें खाएं जिनके अंदर छिलका है, छिलका रहित दाल जिनको हम धुली दालें बोलते हैं, इनका कम से कम इस्तेमाल करें। कभी कभार अगर आप धुली दाल भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना अच्छी प्रकार से आप ये दालें खाएंगे, और सबसे ज्यादा फायदा आपको यहाँ होगा जितना आप उनको अंकुरित करके खाएंगे। इसमें आप मूंग की दाल को भी अंकुरित कर सकते हैं, चौले जो होते हैं उनको भी अंकुरित करके खा सकते हैं, मोठ खा सकते हैं, काला चना खा सकते हैं, और जो दूसरे और हमारी ऐसी चीजें हैं जैसे कि सोयाबीन को आप खा सकते हैं। दालों के अलावा अगर आप नॉनवेज लेते हैं तो कृपया उसको सीमित कर दे और बंद कर दे तो बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि नॉनवेज की भी क्वालिटी आजकल बहुत ही पुअर हो गई है, और उसके अंदर हम अगर ये सोचे कि हमें बहुत अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन मिल रहा है तो ऐसा नहीं है, उसके अंदर भी काफी जेनेटिकली मॉडिफाइड वेरिएशन आजकल आ गए हैं। इसके अलावा काफी और सारी चीजें भी खान पान में हमारे एनिमल्स के साथ ऐसी हुई है कि उनको ऐसी चीजें खिलाई जाती हैं जिससे वो बहुत ज्यादा मोटे और ताजे दिखें, लेकिन उनके अंदर मसल मास नहीं होता। जैसे कि आजकल हम मोटे होते जा रहे हैं, जिस प्रकार का खाना हम खा रहे हैं उसी प्रकार का उनका भी खाने के अंदर इतना वेरिएशन आ गया कि उनके अंदर भी फैट ज्यादा होता है, मांसपेशियां कम होती हैं। तो कृपया ऐसा ना लें। अगर आप लेना चाहते हैं तो अंडा एक अच्छा ऑप्शन है, इसके अलावा अगर आप थोड़ी बहुत मछली खाते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर है। दूसरे प्रकार के मीट और चिकन को कृपया आप अवॉइड करें और ना खाएं तो बेहतर रहेगा। महीने में एकाधी बार अगर एकाधा कटोरी उसे ले रहे हैं तो समस्या नहीं है, लेकिन इसे कृपया अपनी डाइट से दूर रखें, ज्यादा फायदा है। इसके ऊपर भी काफी सारी स्टडीज हुई हैं, जितने आपके प्लांट प्रोटीन्स हैं वो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को घटाते हैं, इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाते हैं, और जो आपके एनिमल प्रोटीन्स हैं वो आपके शरीर में काफी प्रकार के कैंसर्स को भी बढ़ावा देती हैं, इसके अलावा आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी बढ़ा रहे हैं। तो ये साइंटिफिकली प्रूवन है अब, तो कृपया इनको अवॉइड करेंगे तो बेहतर ज्यादा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और इस प्रकार की हेल्थ वीडियोस आपको पसंद आती हो तो अपने दोस्तों और परिवार वालों को जरूर शेयर करें, जिससे वो भी जल्दी स्वस्थ और बेहतर हो जाएं। जितनी सब्जियां आप अच्छी मात्रा के अंदर खाएंगे उतना फायदा आपको होने वाला है,
और जितना आप इनको पार्शली कुक करके खाएंगे, सोटे करके खाएंगे, उतने आपके फायदे बढ़ जाएंगे। क्योंकि जितना आप इनको बिल्कुल नरम कर लेते हैं, ओवर कुक कर लेते हैं, तो उससे जो नुकसान आपको होता है वो ये है कि इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। कहने का मतलब, जो पहले ऐसा कार्बोहाइड्रेट था जिसको शरीर को पचाने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, अब वो ऑलरेडी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो चुका है, तो आपके शरीर को सीधा ग्लूकोज ही मिल रहा है, तो इसीलिए आपका शुगर ये डिरेंज हो रहा है। तो जितना आप इनको अधपका खाएंगे और सोटे करके खाएंगे, आपको फायदा ज्यादा होगा। किसी प्रकार की भी सब्जियां जो सीजनली आपके पास अवेलेबल हैं, उनका आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सब्जियों को थोड़ा कच्चा खाना भी शुरू करते हैं, तो आपको फायदे बढ़ जाएंगे। और कुछ स्पेसिफिकली ऐसी सब्जियां हैं जो आपके शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही फायदेमंद है, उनका कृपया आप अच्छे से इस्तेमाल जरूर करें। जैसे कि भिंडी, भिंडी आपकी शुगर को कंट्रोल करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। और ओकरा वाटर, इसके अंदर काफी सारे इसके ऊपर साइंटिफिक पेपर्स भी हैं, और उनके ऊपर काफी सारी स्टडीज हुई कि आपको फायदा करता है। इसके अंदर जो लेस नुमा पदार्थ होता है ये आपके फायदे का है। लेकिन जो भिंडी है, ज्यादातर लोग खाते कैसे हैं, इसको बिल्कुल डीप फ्राई करके, जिसके अंदर इसके सारा न्यूट्रिशन खत्म हो जाता है, इसको बिल्कुल पापड़ की तरह सेक लेते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्पी भिंडी। बिल्कुल ऐसे बढ़िया, बिल्कुल क्रिस्प, एक क्रिस्प आपको देखने में, खाने में स्वाद लग रही होगी, टेस्ट अच्छा आ रहा होगा, लेकिन अब इस भिंडी खाने का कोई फायदा नहीं है, ये आपके शरीर में नुकसान ही करेगी, क्योंकि इसको आपने फ्राई कर लिया है और इसके जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो न्यूट्रिशन अब इसका खत्म हो गया है। इसके अलावा जितना आप सीताफल खाते हैं, जिसको हम पंपकिन या कद्दू भी कहते हैं, इसके अंदर भी काफी ऐसी चीजें हैं, और इसको भी आपको छील कर नहीं खाना, इसका छिलका बहुत ही फायदेमंद है। करेला प्रूवन है ये आपकी शुगर को कम करता है, इसको आप खाएं। तोरी, घिया आपके फायदे की चीजें हैं, इनको आपको खाना चाहिए। इसके अलावा जितनी भी फलियां आपको मिल रही हैं, बीन्स आपको मिल रही हैं, ये भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया है, इनको आप अच्छे से खाएंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। जो लोग आलू खाते हैं वो कृपया छोटा आलू खाएं, उसके अंदर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, और इसको छिलके समेत ही बनाएं, ताकि आपको फायदा ज्यादा हो और आपके शरीर में शुगर एकदम से ना बढ़े। इसके अलावा जो फली होती है, इसके अंदर एक फली आती है जिसको हम कहते हैं ग्वार की फली, तो ग्वार की फली उसके अंदर होता है ग्वार गम, ये आपका बहुत ही ज्यादा फायदा करता है, और इसके भी प्रूवन फायदे हैं, और आपकी शुगर को ये बाइंड करके रखता है आपकी आंत के अंदर, ताकि आपके ब्लड के अंदर एकदम से ग्लूकोज की मात्रा ना बढ़े। तो इन सब्जियों को जरूर शामिल करें, और जैसा मैंने बताया, इनको उतना कच्चा खाएंगे उतना फायदा ज्यादा होगा, या इन्हें थोड़ा पका कर खाएं। और अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की भाषा में बोले, तो जितना आप अपनी सब्जियों को पका लेंगे, उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ जाएगा, और जितना आप इनको कच्चा खाएंगे या थोड़ा सा पका हुआ खाएंगे, उतना इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो रहेगा। यही हम फ्रूट्स की बात करें, तो फल आप खा सकते हैं, लेकिन आपको फल खाना है, जूस नहीं पीना है। और यहाँ पर जो चीज आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको ऐसे फल नहीं खाने हैं जिनके अंदर शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा है। आपको बहुत ज्यादा पके हुए फल बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, जैसे कि आजकल आम आ रहा है, अगर आम को बहुत ज्यादा पका हुआ बिल्कुल मीठा आम खाएंगे, तो आपके शुगर की लेवल्स बढ़ जाएंगे, आपको नुकसान करेगा। वहीं अगर आप थोड़ा कच्चा आम खाते हैं जो खट्टा मीठा है और खट्टा ज्यादा है, तो आपके शरीर को विटामिन सी भी मिलेगा, फाइबर भी मिलेगा, दूसरी चीजें भी मिलेंगी, और थोड़ी मात्रा के अंदर शुगर मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, तो ऐसी चीजें आप खा सकते हैं। इसी प्रकार से बहुत ही पका हुआ बनाना आपको नहीं खाना है। इसी प्रकार से जो ऐसे फल हैं जिनके अंदर मिठास ज्यादा है, कृपया उन्हें कम मात्रा में खाएं, अभी कुछ दिनों तक ना खाएं तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा कुछ फल जो बहुत ज्यादा फायदा करते हैं शुगर के अंदर भी, उनको भी कृपया नोट कर लें। अमरूद आपके लिए बहुत अच्छा है, सेब आपके लिए अच्छा है, आंवला आपके लिए अच्छा है, जामुन आपके लिए अच्छा है, पाइनएप्पल जिसे हम अनानास कहते हैं, जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं वो आपके लिए अच्छे हैं। लेकिन सिट्रस फ्रूट जितने पकने लग जाते हैं, तो उनके अंदर चीनी की मात्रा बढ़ जाती है, इसलिए जो भी आप ये सिट्रस फ्रूट्स खाएंगे, जैसे कि मौसम्बी है आपका, कीनू है, संतरा है, ये थोड़ा सा आप जितना खट्टे वाले खाएंगे उतना आपको फायदा ज्यादा होगा। आपके शरीर को विटामिन सी तो अच्छी मात्रा के अंदर देगा, आपकी इम्यूनिटी तो बढ़ाएगा ही, साथ में आपको शुगर भी कम मात्रा के अंदर देगा और फाइबर भी अच्छा सा मिलेगा, तो आप और बेहतर हो जाएंगे। खाना खाने में जो एक और महत्वपूर्ण चीज है जिसका आपको ध्यान रखना है, वो ये है कि आप रोटियां खानी भी कम करें। रोटी ज्यादातर लोग गेहूं की खाते हैं,
पर काफी स्टडीज से प्रूव हुआ है कि गेहूं के आटे की रोटी और बहुत ज्यादा गेहूं का इस्तेमाल ज्यादातर उसके आटे में या मैदा में आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस को बढ़ाता है, उसकी सेंसिटिविटी को कम करता है और आपको मोटापे जैसी दिक्कत और ये शुगर जैसी दिक्कत दे रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा बारीक पीस कर और उसका जब फाइबर हटा देते हैं तो ये एक ऐसी चीनी जैसी चीज हो जाती है जो दिखने में सफेद है लेकिन खाने में मीठी नहीं है। इनके अंदर सिंपल कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाते हैं, तो अगर आपको रोटी खाने की आदत है तो कृपया इसे तुरंत बदला, ये आपको फायदा करेगा। यहाँ पे जो एक और चीज आपको फायदा कर सकती है वो ये है कि अपने आटे को जितना मोटा कर लेंगे आपको फायदा होगा, और कभी भी खाली गेहूं का आटा तो खाए मत। शुरुआत में ऐसा करें, मल्टीग्रेन आटे का इस्तेमाल करें जो घर पे आपने खुद बनवाया है, बाजार से आप नहीं लेकर आए, और इसको भी आपने मोटा पिसवाया है और इसको बिना छाने आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसा करके आप अपनी इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाएंगे, रेजिस्टेंस को कम कर पाएंगे। हालांकि अगर आप जो ये गेहूं है या दूसरे अनाज हैं इनको आप उबाल कर खाते हैं, इनको आप इनका दलिया बनाकर खाते हैं, तो आपको फायदे सबसे ज्यादा होंगे। और कुछ इस प्रकार से भी खाएं ताकि आपको फायदा ज्यादा हो, जैसे कि जो जो है उसका इस्तेमाल आप राबड़ी बना के कर सकते हैं, बार्ले वाटर भी बनाकर आप पी सकते हैं, तो आपको फायदा ज्यादा होगा, आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगी। इसके अलावा कुछ और प्रोबायोटिक्स भी आपको खाने चाहिए, जैसे कि दही का आप अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपनी कांजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, किमची सैलेड खा रहे हैं, इसके अलावा कुछ ऐसे अचार जिनमें नमक कम है उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको फायदा ज्यादा होगा। अगर आप चावल खाते हैं तो ब्राउन राइस खाएं, और उसके अंदर भी जो ब्राउन राइस आपके घर पे तैयार हुआ है वो ज्यादा अच्छा है। मिल के अंदर के ब्राउन राइस के अंदर भी बहुत कम मात्रा के अंदर हस्क रहता है और आपको जो उसके कवर से फायदे मिलते हैं वो नहीं मिल पाते। तो कृपया खाना खाते वक्त और अपनी चपाती के अंदर ये और अन्न खाते वक्त ये बदलाव करना ना भूलें। काफी लोग यूपी बिहार के अंदर चने का और हम कहें जौ का सत्तू बनाकर भी पीते हैं, जो कि बहुत अच्छी आदत है जिनसे उन्हें बहुत ज्यादा फायदा होता है। और हमारे हरियाणा राजस्थान के अंदर जौ की राबड़ी बनाई जाती है जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए, आपकी आंख के लिए बहुत ही बेहतर है, जिसके लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है, उसे देखना कृपया ना भूलें। कुछ और फल जिनकी मात्रा आपको लिमिटेड करनी चाहिए वो है आपका अंजीर। इसके अलावा अगर आप अंगूर खा रहे हैं तो उनकी मात्रा भी आपको लिमिटेड करनी चाहिए। इसके अलावा आपको खजूर को भी बहुत कम मात्रा के अंदर खाना चाहिए। जो आपका हम कहे तरबूज है या खरबूजा है तो इनकी मात्रा को आपको कम करना है, क्योंकि ये मीठे बहुत ज्यादा होते हैं। हालांकि इसके अंदर हम कहें अच्छी मात्रा के अंदर पानी भी होता है खजूर को छोड़ के, तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं 100 ग्राम तक, लेकिन खजूर आपको एक आधा ही खाना है, ज्यादा खजूर आपको नहीं खाने चाहिए। तो बात करते हैं किस प्रकार के नट्स या सूखे मेवे आपको लेने चाहिए। ये आपको जरूर खाने चाहिए क्योंकि इनके अंदर होता है गुड क्वालिटी फैट। इसके अलावा इनके अंदर से आपको मिलता है गुड क्वालिटी प्रोटीन। तो किसी भी प्रकार के 4 से 5 नट्स और बीज आपको रोटेट करके जरूर खाने चाहिए, ताकि आपके शरीर को अच्छी मात्रा के अंदर गुड क्वालिटी फैट और प्रोटीन दे सके। आप बादाम खा सकते हैं जिनको आपको भिगो के खाना चाहिए, 5 से 10 गिरी आप बादाम की खा सकते हैं। आप अखरोट भी खा सकते हैं, 3 से 4 अखरोट आप भिगो कर खाएंगे तो आपको फायदा ज्यादा होगा। 5 से 10 पिस्ता भी आप खा सकते हैं। इसके अलावा आप काजू भी 4-5 खा सकते हैं। इसके अलावा जो और बीज आपको फायदा करेंगे उनको भी कृपया नोट कर लें। चिया सीड्स 1 से 1.5 चम्मच आप खा सकते हैं। 1 से 1.5 चम्मच आप अलसी के बीज खा सकते हैं। अलसी के बीज को आपको थोड़ा सा हमके रोस्ट कर लेना है और उसको पीस लेना है। यही 1 से 1.5 चम्मच आप तिल भी खा सकते हैं। 1 से 1.5 चम्मच आप सनफ्लावर या सूरजमुखी के बीज भी खा सकते हैं, वो भी आपके लिए फायदेमंद है। और पंपकिन सीड्स भी आप 1 से 1.5 चम्मच ले सकते हैं। आप कोशिश करें तकरीबन 5 सीड्स या नट आपको एक दिन में खाने हैं, और इनको अपनी मील्स के टाइम में खाना है, इनको ऐसे स्नैक नहीं खाना। तो अभी तक तो मैंने आपको बताया कि आपको किस प्रकार का खाना है और कैसे खाना है, तो जो एक और इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे कि आपको पूरे दिन में कितनी बार खाना खाना चाहिए और कौन सा समय खाने के लिए बेस्ट है, तो कृपया इसे भी समझ लें। अभी शुरुआत के लिए आपको ये समझ लेना है कि आप दिन में 3 बार खाना खाएं, सुबह ब्रेकफास्ट करें, लंच करें और शाम को आप डिनर खा सकते हैं, रात को नहीं शाम को। तो ये आपको ध्यान रखना है, आपका ब्रेकफास्ट सबसे बढ़िया होना चाहिए। पूरे दिन का हम कहें 50 से 60% रिक्वायरमेंट जो आपकी है वो आपको अपने ब्रेकफास्ट से लेनी है, और दोपहर को भी आप
20 से 30% अपना लंच के अंदर ले सकते हैं, और 5 से 10 मैक्सिमम 15% तक आपको अपने डिनर में लेना है। तो आपको डिनर अपना सबसे हल्का रखना है और उसको शाम को ही कर लेना है, रात को नहीं करना। इन सबके बीच के अंदर आपको किसी प्रकार का कोई भी स्नैक नहीं लेना, आपको कोई चाय कॉफी या दूसरे स्नैक नहीं लेने। चाहे लोग आपसे ये कहें शुगर फ्री है, ये इस प्रकार का है, तो भी आपको नहीं लेना। आप उस वक्त हम कहें ग्रीन टी पी सकते हैं। इसके अलावा आप छाछ, जिसके अंदर 50% पानी मिला दिया है, वो ले सकते हैं। आप किसी प्रकार का सलाद ले सकते हैं कि आप हरे पत्तेदार सलाद खा रहे हैं, उस वक्त आपने टमाटर खा लिया, खीरा खा लिया, ये चीजें आप ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे ही आपके ये सिस्टम बेहतर हो जाए, इसको धीरे धीरे कोशिश करके आपको बना लेना है कि आप 2 हफ्ते बाद दिन में 2 बार ही खाना खा रहे हैं, एक बढ़िया सा ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और एक शाम को इवनिंग मील ले रहे हैं, इसके अलावा आप कुछ नहीं ले रहे, तो ये आपके लिए बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। अब खाना खाने से पहले आपको क्या करना है? खाना खाने के लिए आपका शरीर जब तैयार है, जब आपने उसको अच्छे से एक्सरसाइज करा दी है, आपकी मांसपेशियों को अब एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और ये भी बेहतर तब होगा कि आपने कम से कम 25 से 30 मिनट एक्सरसाइज की, और उसके तकरीबन 25 मिनट बाद आपने खाना खाया, तो ये बिल्कुल बेहतर और बेस्ट हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप सुबह और शाम को खाना खाते हैं, तो अब आपकी ब्लड शुगर स्पाइक्स नहीं आएंगी, और इस प्रकार से आप खाना लेंगे तो अब आपकी ये डायबिटीज बिल्कुल जड़ से खत्म होने वाली है, और आप पाएंगे आने वाले 3 से 6 महीने में आपकी शुगर बिल्कुल खत्म हो गई है, और अब आपको किसी प्रकार की दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती। जो प्री डायबिटिक थे वो बिल्कुल हेल्दी हो गए हैं, उनका वजन भी नियंत्रित हो गया है, और उनकी शुगर भी दूर चली गई है, साथ ही साथ आपका कोलेस्ट्रॉल भी अब बढ़िया हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी प्राप्त कर आप आज से ही अपने खाने के पैटर्न को चेंज करेंगे, और आने वाले 3 महीने में इस चैलेंज के ऊपर काम करके अपनी शुगर को और अच्छे से नियंत्रित कर लेंगे, और आने वाले कुछ महीनों के बाद तो आप अपनी सारी दवाइयां भी अपने डॉक्टर के साथ मिलकर बंद कर देंगे, क्योंकि अब आपने अपनी जीवन शैली को इस प्रकार का बना लिया है, अपने खाने को इस प्रकार का बना लिया है कि आपको दवाइयों की जरूरत पड़ेगी ही नहीं, आप इसे जड़ से खत्म कर पाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी इस प्रकार की वीडियोस आपको पसंद आती होंगी। अगर आप उन्हें पसंद करते हैं तो कृपया उन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप उन्हें देख रहे हैं। अगर आप उन्हें YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और YouTube नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दें, जिससे मेरी नई आने वाली YouTube वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आपकी वेट लॉस जर्नी में आपके रुके हुए, आपकी कुछ समस्याएं हैं, आपके कुछ क्वेश्चन हैं, आपको कहीं और क्लैरिटी चाहिए, तो उनको भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। मैं स्वयं उन्हें पढ़ता हूँ, मैं जल्द उनका जवाब दूंगा, और कुछ क्वेश्चंस के लिए मुझे ऐसा लगा कि उन्हें एक डिटेल विश्लेषण की जरूरत है, तो उनके लिए एक नया वीडियो बनाकर जल्दी प्रस्तुत करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।